राजस्थान में उपचुनाव को लेकर अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है तो बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से खास बातचीत की है पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी ने, आप भी सुनिए। मदन राठौर साहब है सर, देवली 11 में जो कल घटना घटी है उस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद क्या कहेंगे, क्योंकि निर्दल प्रत्याशी ने जिस तरह से अटैक किया है प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर, ये नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई निर्दलीय हो या कोई भी हो, अधिकारी अपना काम करता है और यदि कोई शिकायत भी है तो उसके उच्च अधिकारी भी हैं और वैसे भी निर्वाचन आयोग नजर रख रहा है पूरे घटनाक्रम पर, तो कोई भी हो शिकायत करना चाहिए, समाधान हो जाएगा। आवेश में आकर के और हाथापाई तक की नौबत आ जाए ये तो बड़ी चिंता की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण। सर पूरे घटना के बाद देखा जाए तो नरेश मीणा जो फिजिकल अटैक किए थे, निर्दल उम्मीदवार थे, उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन करणी सेना जिस तरह से उनको समर्थन दे रही है, आपको नहीं लग रहा कि और माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि कल शाम को आगजनी की भी घटना घटी है वहां पे? नहीं, ऐसे को कोई समर्थन नहीं देता। जो कानून सम्मत कार्य है वो ठीक है और उसमें कोई अधिकारी गलत काम करता है तो जरूर अलग बात होती है, लेकिन यदि कोई जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति अधिकारी पर बल प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार का प्रताड़ना वगैरह करता है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सर वर्तमान हालात को देखते हुए क्या कहना चाहिए, जो अब वर्तमान स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो घटना घटी उसका हो सकता है माहौल खराब हो जाए, जो अभी संशय बना हुआ है, तो ऐसे में जनमानस से या कोई सामाजिक संगठन है उन लोगों से, सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार आप ही की है केंद्र में राज्य में? मैं तो यही अपील भी करूंगा जनता से कि कानून पर भरोसा रखे, न्याय होगा, जो भी कानून सम्मत निर्णय होगा वो सरकार करेगी। वैसे ये निर्वाचन आयोग का मामला है, उस समय ये सारी शक्तियां निर्वाचन आयोग के हाथ में थी तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होता है, वो अपना काम निष्पक्षता से करेगा ही करेगा, और जहां सरकार का कोई मामला आएगा तो सरकार भी निष्पक्ष निर्णय करेगी, कहीं पर भी किसी का पक्ष नहीं करेगी।